आज मेरे किचन में बना है ये ब्यूटीफुल लुकिंग पावलोवा। अगर आप एग खाते हैं तो बस घर की ही चार पांच चीज़ों से आप इतना ब्यूटीफुल लुकिंग डेजर्ट बना सकते हैं आपके लिए, आपके फैमिली वालों के लिए, और लग रहा है ना बिल्कुल गॉरमेट डेजर्ट। पावलोवा एक एग वाइट बेस्ड डेजर्ट है। बेसिकली आपको पहले एग वाइट में से मेरांग बनाना होता है और फिर वो मेरांग को ओवन में बेक करना होता है और उसके बाद बनता है ये ब्यूटीफुल लुकिंग पावलोवा। पावलोवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन लिया हुआ है। जस्ट मेक श्योर कि ये बर्तन एकदम साफ हो, कहीं पे भी कुछ भी चिकनाई ना हो। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चार अंडे की सफ़ेदी, मतलब आपको सिर्फ एग वाइट लेना है। और मैंने ये चार मीडियम साइज़ के अंडे लिए हैं और ज़रा भी इसके अंदर येलो वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ वाइट वाला ही होना चाहिए। और अब हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छा सा फ्लफी और वाइट कलर का ना बन जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 1 कप कैस्टर शुगर ली हुई है। कैस्टर शुगर स्पेशली बेकिंग के लिए होती है और ये एकदम ही ये छोटी छोटी सी होती है, बारीक एकदम पाउडर जैसी होती है। और ये थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और हम बीटर की मदद से चलाते भी जाएंगे। ये देखिए, अब बेसिकली पावलोवा के लिए ये जो हमने मिरांग बेस बनाया था ये बनके रेडी है। आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी स्टीफ पीक आ गई है। ये आप देखिए तो ये अच्छे से स्टैंड हो रही है, होल्ड हो रही है। हमें यहाँ तक बीट करना है और आप देखेंगे ना तो एक बहुत अच्छी शाइन भी आ चुकी है पूरे मिरांग में। और ये जो मैंने बीट किया था वो स्टार्ट मीडियम स्पीड से किया था और उसके बाद हाई स्पीड पे बीट किया था। एंड ये स्टीफ पिक हमारे रेडी है। अब ये मिरांग में बाकी की चीज़ें ऐड करने से पहले मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। मैंने 120 डिग्री पे ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है एंड ओवन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट से प्रीहीट हो रहा है। और अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। ये मैं सीधा मेरांग में ही ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1 टीस्पून ये नींबू का रस लिया है। और अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ करना है, ये एक स्पैचुला से बहुत ही जेंटली हमें फोल्ड करना है क्योंकि हमने जितना भी एरेशन एग वाइट में लाया है वो सारा बैठ नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, अब ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। और अब मैं यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है। पार्चमेंट पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो आपका पावलोवा है वो ट्रे में ही चिपक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और आप देखेंगे ना तो एक राउंड मैंने पीछे की तरफ ड्रॉ किया हुआ है सो दैट हमें एक मेजरमेंट मिल जाए कि इतना ही हमें फैलाना है। पहले ये थोड़ा सा मेरांग ट्रे में लगा के बेकिंग पेपर को हम स्टिक कर देंगे। इसके लिए आपको कोई बेकिंग पैन की ऐसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ट्रे में ही बनता है। एक्चुअली मैं आज एक सिंगल पीस बना रही हूँ, आप चाहो तो आप पाइपिंग बैग में भर के इसके छोटे छोटे इंडिविजुअल साइज़ के भी पावलोवा बना सकते हो। और अब सेंटर में मैं एक बार ये चम्मच घुमा लेती हूँ ताकि जो हम व्हिप किया हुआ क्रीम और फ्रूट्स रखे उसके लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। और पावलोवा जितना अनइवन होगा उतना ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा रस्टिक डेजर्ट है, ये एक तरीके की केक ही है एग वाइट बेस। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मैं थोड़े थोड़े से पीक्स बना देती हूँ और अब मैं रख देती हूँ ओवन के अंदर। ऑलरेडी प्रीहीटेड ओवन है और पावलोवा एकदम आराम से सुकून से बेक होता है, इसीलिए टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। 120 डिग्री पे बेक होगा और इसको बेक होने के लिए आराम से 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट लगता है। पावलोवा तो बेक होके बिल्कुल रेडी है।
जैसे कि मैंने कहा कि पावलोवा बेक होने के लिए एकदम आराम से टाइम देना पड़ता है, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट, और उसके बाद जब बेकिंग ख़त्म हो जाए तभी भी आप ओवन को ऑफ करने के बाद आधे घंटे तक पावलोवा की ट्रे को अंदर ही, ओवन के अंदर ही छोड़ देंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, और उसके बाद बाहर निकालेंगे तो ऐसा वाला टोटल ड्राई पावलोवा मिलेगा। और ये जो पावलोवा है वो बहुत अमेजिंग टेक्सचर होता है इसका, ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट टेक्सचर होता है उसका, जैसे कि क्लाउड होता है ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर होना चाहिए। अब ये देखिए मेरे पास विप किया हुआ क्रीम है, इसमें आपको पाइपिंग बैग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंडम ही क्रीम को आपको रखना है। और अब मैं इसके ऊपर कुछ फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, ये मेरे पास मैंगो है। जस्ट मेक श्योर कि जो भी फ्रूट्स आप ऐड करें वो थोड़े से खट्टे हो, ये मैंगो भी एकदम ही पकी हुई नहीं है, थोड़ी सी खट्टी है, कच्ची वाली मैंगो है, क्योंकि पावलोवा बहुत मीठा होता है तो फ्रूट्स खट्टे होंगे तो ही अच्छे लगेंगे। और अब कुछ स्ट्रॉबेरीज में रख देती हूँ। और अब ये मेरे पास पैशन फ्रूट का पल्प है, ये मैं ऐड कर देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे शहरों में ये पैशन फ्रूट नहीं मिलता है, पर मिलता है तो बहुत अच्छा है, पावलोवा के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। और ये पुदीने के पत्ते हैं वो बस मैं कहीं कहीं पे रख देती हूँ। तो लीजिए तैयार है मोस्ट ब्यूटीफुल पावलोवा।